हेलो गाइस, माय नेम इज़ साहिब सिंह सिडान एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग इंडियन। चिकलधारा को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है सो इस वीडियो के बाद जाकर के उस वीडियो को देख लेना। अभी हम लोग चिकलधारा से निकल करके लोनार लेक, एक बहुत स्पेशल जगह है, वहाँ ले करके जाने वाला हूँ मैं आपको। गाड़ी के अंदर हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं एंड अभी मैं ड्राइव करने वाला हूँ इसको आज लोनार लेक तक। तो चलते हैं। हम लोग अभी शेगांव में रुके हैं और यहाँ की कचौड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वो ट्राई करना तो बनता था, रास्ते में आता है। तो ये भैया है, ये कचौड़ी वाले भैया हैं, तो इन्होंने कचौड़ी बनाई है, अभी इसको ट्राई करते हैं। अबे तेरे को पूरे गांव वाले ना पकड़ के मारेंगे तेरे को, गांव वाले जमा कर लेंगे सब एक। अरे भाई भाई किया भाई किया। गाइज, मैं ना सुबह का लोनार में पहुंचा हुआ हूँ, बट बिलीव मी गाइज, इतनी ज़्यादा बारिश थी, मुझे लग रहा था कि मैं पॉसिबली लोनार क्रेटर को नहीं देख पाऊँगा, जिसको बोलते हैं लोनार लेक भी। बट फाइनली मेरे पीछे है लोनार क्रेटर। लुक एट दिस, कितनी ज़्यादा प्यारी है ना। एंड अभी मानसून के टाइम पे ही यहाँ घूमने का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि वरना ये जो लेक है ये सूखने लग जाती है, क्योंकि ये पानी से ही, जो रेन वाटर है उसी से ये भरती है। एंड उसके आसपास पूरी जो ग्रीनरी है अभी वो मानसून के टाइम पे ही रहती है। यहाँ ना एंट्री गेट के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और यहाँ पर काफ़ी सारे डिफरेंट एंट्री गेट्स हैं, जिसमें से सिर्फ एक से ही आप लोगों को एंट्री मिलती है। एंड क्राउडेड होने की वजह से एक्चुअली ये लेक बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप अपने यूनिक स्पॉट्स ढूंढ सकते हैं। तो मेक श्योर कि इधर उधर वॉक करिए एंड अपने यूनिक पॉइंट्स ढूंढिए जहाँ पर क्राउड नहीं है। तो मैं भी अभी थोड़ा सा वहीं वॉक करके अपने लिए कोई एक यूनिक सा स्पॉट ढूंढने जा रहा हूँ। आपको ना मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इस क्रेटर के बारे में। जो ये क्रेटर है ना, ये मीटियोर के हाई वेलोसिटी इंपैक्ट की वजह से हुआ है। सो बेसिकली अगर यहाँ पर मीटियोर नहीं टकराया होता तो आज हम लोग ये लेक नहीं देख रहे होते। और ऐसी ही मीटियोर के इंपैक्ट की वजह से, जो हाई वेलोसिटी इंपैक्ट है, बहुत सारे मीटियोर के इंपैक्ट तो हुए हैं बट हाई वेलोसिटी इंपैक्ट वाली लेक्स जो हैं वो चार ही हैं वर्ल्ड में, और बाकी जो तीन है, एक तो ये है, जो बाकी तीन है वो ब्राज़ील में है। लेक के आसपास ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वाइल्ड लाइफ रहती है, जिसमें से मोर की आवाज़ तो आपको हर टाइम सुनाई देती रहती है। एंड आई होप किसी ना किसी एक क्लिप के अंदर आपको मोर की आवाज़ ज़रूर सुनाई दी होगी। जब भी रिकॉर्ड करने लगो तो ये भाई साहब बोलना बंद कर देते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एरिया से मोर की आवाज़ आ रही है। गाइस, बड़ी मेहनत चल रही है यहाँ पे कॉन्टेंट बनाने की, तो देखिए यह सेल्फी किंग और साथ में टॉप नॉच कंटेंट क्रिएटर। के बारे में एक ऐसा फैक्ट है जो कि मैं अभी तक ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो फैक्ट कि ये जो इम्पैक्ट है ये 6 लाख साल पहले हुआ था अप्रॉक्सीमेटली, जो मॉडर्न स्टडीज़ के हिसाब से है कि 6 लाख साल पहले ऐसे कुछ हुआ था। एंड उसकी वजह से आज यहाँ पर जो पानी है, इसके अंदर बोथ सेलाइन और एल्कलाइन दोनों तरीके का पानी है, कुछ एक साइड पे एक तरीके का, एक साइड पे एक तरीके का है, बट इसको पीने के लिए यहाँ नहीं यूज़ करते हैं। कभी कभी यहाँ से वाटर पुल किया जाता है बट यूजली इसको ऐसे ही रहने दिया जाता है, क्योंकि ये परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये रेनफॉल की वजह से ही भरता है, तो इस वजह से इसको यूज़ में नहीं ला सकते हैं। बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, यहाँ पर आकर के बैठना इतना ज़्यादा पीसफुल है, प्लस यहाँ पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग। down, down, down.
यहाँ ना अब बारिश शुरू हो गई है, इसका ये मतलब है कि अब यहाँ से चलना चाहिए। फाइनली मोर की आवाज़ अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो इसने फाइनली जाते जाते एक बार रिकॉर्ड करवा ही दिया है। आई एम सो हैप्पी एंड आई हैव टू थैंक अद्वैत, थैंक यू ब्रो। यस ब्रो, एनी टाइम। इसने मुझे ना काफ़ी बढ़िया बढ़िया जगह दिखाई है एंड थैंक यू महाराष्ट्र टूरिज्म फॉर इन्वाइटिंग मी। आई होप अगर आप लोगों को यहाँ पर आने का मौका मिले तो आप भी उतना ही इन्जॉय करोगे जितना मैंने इन्जॉय किया। एंड नाउ Please subscribe to the channel. Don't forget to like this video and comment on it. I'll see you in the next one. Bye guys.